तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गए मैच नंबर 54 की प्लेइंग 11 लेकर। मैच नंबर 54 जो दोनों टीमों के लिए बहुत बेहतर मैच है, दोनों टीमों के लिए बहुत ज़रूरी मैच है। एसआरएच का भाग्य भी निर्धारित करेगा और आरसीबी का भाग्य भी इस मैच से निर्धारित होगा। इस मैच को दोनों टीमें जीतना चाहेंगी, दोनों टीमें इस मैच को जीतकर पॉइंट टेबल में आगे बढ़ना चाहेंगी। लेकिन अगर मैं एसआरएच की प्लेइंग 11 के बारे में बताऊँ, सबसे पहले एक दो बदलाव की मुझे गुंजाइश नज़र आ रही है। थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है एसआरएच की प्लेइंग 11 में, उस पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले पॉइंट टेबल बता देता हूं आप लोगों को। पॉइंट टेबल क्या है कि 10 मैच में 5 जीते हैं, 5 हारे हैं, मतलब 10 अंक है। एक वक्त ऐसा लग रहा था लगातार 5 मैच जीतकर पॉइंट टेबल में नंबर 2 पर पहुंच गई थी एसआरएच, लेकिन उस वक्त उसके बाद में फिर एसआरएच लगातार फिर हारती जा रही है और अब एसआरएच की हालत ऐसी है कि 5वें नंबर पर एसआरएच आ गई है। तो यहां पर मामला बड़ा गड़बड़ है, पेचीदा है एसआरएच के सामने। जो जीत का ट्रैक पकड़ा था वो जीत का ट्रैक से लुढ़कती हुई नजर आ रही है। अब यहां पर प्लस पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट ये है कि प्लस में रन रेट है, ये प्लस पॉइंट है, बाकी मामला सब गड़बड़ है। अब देखिए एसआरएच की पिछले मैच की क्या थी, उसके मैच में आगे क्या हो सकती है ये मैं आपको समझाऊंगा। अभिषेक, विलियमसन, राहुल, मार्करम, पूरन, शशांक, शीन अभट, गोपाल, कार्तिक, भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक, ये पिछले मैच की टीम थी। इस टीम के पास एक पॉजिटिव चीज़ है, एक नेगेटिव चीज़ है, दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पॉजिटिव चीज़ क्या है कि इस टीम के पास बहुत शानदार गेंदबाजों का एक पूरा पूल है। 6-7 गेंदबाज इस टीम के पास विश्व स्तरीय हैं, बेहतर गेंदबाज हैं, 5-6 गेंदबाज बहुत बेहतर इस टीम के पास हैं। तो वहीं बल्लेबाजी में ऑप्शंस इस टीम के पास बहुत कम है, बस सबसे बड़ी परेशानी यही है। इस टीम की बेंच स्ट्रेंथ पर एक बहुत बेहतर गेंदबाज बैठे हुए हैं 6-7, लेकिन बेंच स्ट्रेंथ पर अच्छे बल्लेबाज नहीं बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी परेशानी इस टीम के साथ ये है। अब देखिए इस टीम में मैं कुछ बदलाव देखना चाहता हूँ, क्योंकि अब जो आने वाले मैचेज हैं वो बड़े टफ होने वाले हैं। आपकी बल्लेबाजी भी बेहतर होनी चाहिए गेंदबाजी के साथ साथ। तो एक जगह थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, वो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए अभिषेक तो यहाँ पर रहेंगे, अभिषेक के ऊपर अब जिम्मेदारी रहेगी। अगर एसआरएच को आगे का सफ़र तय करना है बेहतर, तो अभिषेक को बेहतर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, इनको थोड़ी जिम्मेदारी लेकर खेलनी पड़ेगी और थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऊपर से स्टार्ट मिलेगा तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इनका साथ केन विलियमसन बढ़िया तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, केन विलियमसन बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी पारियाँ नहीं खेल पा रहे हैं, केन विलियमसन के बल्ले से बड़ी पारी नहीं निकल पा रही है। इसलिए अभिषेक को बेहतर करना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ऊपरी क्रम से रन बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर विलियमसन, देखिए यहाँ पर पता है मैं एक चीज़ कहता चाहता हूँ, मैं बदलाव ये चाहता हूँ कि यहाँ पर अभिषेक के साथ राहुल त्रिपाठी आ जाए ओपनिंग करने के लिए, क्योंकि दोनों बल्लेबाज फॉर्म में हैं, दोनों बल्लेबाज रन भी बना रहे हैं, दोनों बल्लेबाज बेहतर तरीके से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो राहुल त्रिपाठी को रख दीजिए या मार्करम को रख दीजिए, दोनों में से किसी एक को ओपनिंग पर रख दीजिए, क्योंकि विलियमसन ऊपरी क्रम पर रन नहीं बना पा रहे हैं और जब विकेट गिर जाता है पहला तो वहाँ आने वाले बल्लेबाज के ऊपर एक दबाव हो जाता है, एक दो ओवर वहाँ पर बेकार चला जाता है जब विकेट गिर जाता है पावर प्ले में। तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको इन्फॉर्म बल्लेबाज ऊपर भेजने चाहिए। यहाँ पर अभिषेक के साथ राहुल त्रिपाठी को आप रख दीजिए, बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। राहुल त्रिपाठी ने ओपनिंग की है, उन्हें ओपनिंग करने का तजुर्बा है, इसलिए राहुल त्रिपाठी को आप ओपन करवाइए, बहुत बेहतर है। केन विलियमसन को उनकी बहुत बड़ी जगह, जहां पर वो दुनिया मतलब अपने क्रिकेट में खेलते हुए आए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 3 पर, यहां को केन विलियमसन को रख दीजिए, क्योंकि केन विलियमसन नंबर 3 के बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, नंबर 3 पर उन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। तो केन विलियमसन को नंबर 3 पर रख दीजिए, राहुल त्रिपाठी को ओपनिंग ओपनर बना दीजिए। ये दोनों बल्लेबाज ऐसे हैं जो एसआरएच के लिए ओपनिंग के तौर पर बहुत बेहतर कर सकते हैं, पावर प्ले का फ़ायदा उठा सकते हैं। केन विलियमसन ना तो पावर प्ले का फ़ायदा उठा पा रहे हैं और ना ही अपना विकेट बचा पा रहे हैं, तो यहाँ पर एसआरएच को डबल नुकसान हो रहा है केन विलियमसन के ऊपर खेलने से। तो केन विलियमसन को नंबर 3 पर लाइए, राहुल को ऊपर लाइए, उसके बाद में नंबर 4 पर तो मार्करम है, मार्करम बहुत बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत बेहतर। एसआरएच की तरफ से अगर केन विलियमसन नहीं चल रहे तो मार्करम चल रहे, एक न्यूजीलैंड का प्लेयर मतलब रन बना रहा है। कुल मिलाकर बात यह, देखिए निकोलस पूरन ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की है पिछले कुछ मैचों में, उसने एक उम्मीद बढ़ा दी है क्या एसआरएच की, एक उम्मीद को जगा दिया है। जिस तरीके से निकोलस पूरन निचले क्रम पर आकर अब रन बना रहे हैं, और खासतौर पर अब तो जब से कप्तान बने हैं वेस्टइंडीज़ के, तब से और
भी खुशी के साथ उन्होंने पिछले मुकाबले में रन बनाए, एक ताबड़तोड़ पारी खेली। ऐसा लग रहा था कि शायद पूरन जिता देंगे, लेकिन जिता नहीं पाए। बहरहाल एक अच्छे टच में निकोलस पूरन यहाँ पर हैं। यहाँ पर एक बदलाव मैं चाहता हूँ। ये शशांक हैं, शशांक से देखिए गेंदबाजी तो करवाई नहीं जा रही है, बल्लेबाजी वो कर नहीं पा रहे हैं, तो शशांक की जगह एक फिनिशर के तौर पर मैं चाहता हूँ कि एक बल्लेबाज इनके पास बेंच पर बैठा है, बहुत भांकड़ बल्लेबाज है, घरेलू क्रिकेट में मैंने बहुत नाम सुना है उस खिलाड़ी का, मैं चाहता हूँ कि उसको मौका मिले। नाम है विष्णु विनोद नाम है, मैं चाहता हूं कि इस खिलाड़ी को मौका मिले। ये खिलाड़ी बहुत बेहतर, इसका मैंने नाम सुना है घरेलू क्रिकेट में, इस खिलाड़ी ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है, विकेट कीपर बल्लेबाज है, तो मैं चाहता हूं कि इस खिलाड़ी को मौका मिले। बहुत बेहतर खिलाड़ी है, देखे तो सही, एक बार आजमा कर हैदराबाद को देखना चाहिए कि ये खिलाड़ी किस तरीके का है। बहुत शानदार तरीके की बल्लेबाजी का नाम मैंने इस विष्णु विनोद का सुना है, बहुत घरेलू क्रिकेट में। उसके बाद में देखिए सीन एबर्ट तो देखिए विकेट टेकर गेंदबाज है और बल्लेबाजी भी निचले क्रम पर आकर थोड़ी बहुत करते हैं, लेकिन विकेट टेकर गेंदबाज है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बहुत शानदार है। देखिए बासारी क्या है, दो गेंदबाज बाहर करके दो गेंदबाज अंदर लाए गए, और जो दो गेंदबाज बाहर हुए हैं वो दोनों गेंदबाज बहुत शानदार हैं। मार्को जेंसन को बाहर किया गया था पिछले मुकाबले में, और टी नटराजन को बाहर किया गया था, दोनों बड़े शानदार गेंदबाज हैं, और दोनों की जगह किसको लाया गया, शीन एबर्ट को लाया गया और कार्तिक त्यागी को लाया गया, और कार्तिक त्यागी और शीन एबर्ट ने भी बेहतर गेंदबाजी करी, ऐसी बात नहीं है, बहुत शानदार गेंदबाजी करी। कार्तिक त्यागी ने तो 150 की रफ्तार को पकड़ लिया, छू लिया था, इतनी बेहतर तेज गेंदबाजी कार्तिक त्यागी ने की थी, लेकिन बेहतर करना पड़ेगा। अब देखिए हैदराबाद के पास अब गेंदबाज इतने सारे हो गए हैं, बड़े मुश्किल हो गए कि किसको खिलाए, इतने बेहतर और बढ़िया गेंदबाजों का पूल हैदराबाद ने बनाया हुआ है, लेकिन बल्लेबाजी में हैदराबाद के पास परेशानी है, बेंच पर बेहतर बल्लेबाज नहीं बैठे हुए हैं, तो इसीलिए आपको अपना बेहतर क्रम करना पड़ेगा। अगर आपके पास बेंच स्ट्रेंथ मजबूत नहीं है तो अपने क्रम को बेहतर करिए, और क्रम को बेहतर करने के लिए राहुल त्रिपाठी को ओपन करवाना हैदराबाद के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। केन विलियमसन को नंबर 3 पर आना चाहिए। यहाँ पर गोपाल, देखिए गोपाल ने पिटाई जरूर हुई पिछले मुकाबले में गोपाल की, लेकिन विकेट भी उन्होंने 2 चटकाए, तो गोपाल से उम्मीद है, क्योंकि अब वॉशिंगटन सुंदर शायद आने वाले कुछ मुकाबले नहीं खेलेंगे, तो वॉशिंगटन सुंदर की जगह गोपाल को मौका दिया गया है, और गोपाल को उस मौके पर खड़ा उतरना भी है मेरे भाई, उन उम्मीदों पर खड़ा उतरना है। अगर उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाए तो आने वाले सीजन में गोपाल के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है, इसीलिए आपको बेहतर करना है। कार्तिक त्यागी तो खैर खुद को साबित कर चुके हैं आईपीएल में, राजस्थान के लिए जिस तरीके से उन्होंने आखिरी ओवर में 4 रन बचाकर मैच जिताया था, वो मैच सभी को याद है, और इस गेंदबाज के पास वो काबिलियत है कि ये गेंदबाज बड़े कारनामे कर सकता है, इसीलिए इस गेंदबाज से बचकर रहना होगा विपक्षी टीमों को। ये गेंदबाज रफ्तार वाला गेंदबाज है, 150 की रफ्तार से इस गेंदबाज ने पिछले मुकाबले में गेंदबाजी की थी, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस गेंदबाज के पास कितनी काबिलियत है। लेकिन जब नटराजन अंदर आएंगे तो कार्तिक त्यागी को जाहिर तौर पर बाहर होना पड़ेगा। देखिए टैलेंट बहुत है गेंदबाजों में जो है एसआरएच के पास हैं। भुवनेश्वर कुमार की देखिए नाम बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन दर्शन छोटे हो रहे हैं। आईपीएल 2022 में भुवनेश्वर कुमार ने उस तरीके की गेंदबाजी नहीं की है जिसकी उम्मीद थी, और ऐसा हो सकता है कि कुछ बदलाव ये भी आपको देखने को मिले आने वाले कुछ मैचेस में, क्योंकि नटराजन और मार्को जेंसन दोनों बहुत शानदार गेंदबाजी आईपीएल 2022 में कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि शायद आपको भुवनेश्वर कुमार किसी मैच में बेंच पर बैठे हुए नजर आए और नटराजन या मार्को जेंसन में से कोई आपको खेलता हुआ नजर आए। हालांकि पिछले मुकाबले में जब नटराजन बाहर हुए थे तो कहा गया था कि वो चोटिल हैं, अब चोट इतनी गंभीर है, कितने मुकाबले नहीं खेलेंगे यह बहुत बड़ा सवाल होगा कि नटराजन का चोट कितनी गंभीर है और कितने मुकाबले नहीं खेलेंगे, लेकिन इसको लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन आने वाले मुकाबलों में जरूर नजर रहेगी टी नटराजन पर और मार्को जेंसन पर। उमरान मलिक से तो देखिए पिछले कुछ मुकाबलों में मैं इनसे संतुष्ट था कि इनकी लाइन लेंथ बेहतर थी, लेकिन पिछले मुकाबले में उमरान मलिक पर जो पिटाई हुई है, जो शानदार तरीके से दिल्ली कैपिटल ने धोया है, खासतौर पर डेविड वॉर्नर ने जिस तरीके से प्रहार किया है उमरान मलिक पर, एक छोर से रन बनाते चले गए उमरान मलिक की गेंदों पर, तो उसने एक चिंता बढ़ा दी होगी हैदराबाद की। हैदराबाद ये सोच रही होगी कि उमरान मलिक को अब खिलाया जाए कि नहीं खिलाया जाए, क्योंकि रफ्तार के सामने रन भी ज़्यादा जाते हैं, रफ्तार का प्लस पॉइंट भी है, रफ्तार का नेगेटिव पॉइंट भी है, रफ्तार आपको विकेट भी दिलाती है और रफ्तार
आपसे रन भी ले लेती है। तो ये एक थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उमरान मलिक को, बल्लेबाज को समझकर और लाइन लेंथ को देखकर गेंदबाजी करनी पड़ेगी, थोड़े से वेरिएशन सीखने पड़ेंगे ताकि कुछ बेहतर कर पाए आईपीएल 2022 में, तभी टीम इंडिया तक का सफ़र तय हो पाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक टीम प्लेइंग 11 आरसीबी के खिलाफ हो, क्योंकि आरसीबी पूरे दम के साथ मैदान पर उतरेगी। आरसीबी को हराना उतना आसान नहीं होगा। आरसीबी के खिलाड़ी, कई खिलाड़ी फॉर्म में आते हुए नज़र आ रहे हैं, बेहतर गेंदबाजी अटैक आरसीबी का है, तो वहीं एसआरएच का बल्लेबाजी अटैक बहुत कमज़ोर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर एसआरएच को करना पड़ेगा, थोड़ा सा बल्लेबाजी में सफल करना पड़ेगा। अभिषेक के साथ राहुल त्रिपाठी को अगर उतार दें ओपनिंग में बहुत बेहतर होगा। केन विलियमसन नंबर 3 पर आए तो एसआरएच के लिए बेहतर होगा, क्योंकि रन नहीं बना पा रहे ऊपर से, और जब जल्दी आउट हो जाते हैं तो निचले क्रम के बल्लेबाजों पर एक्स्ट्रा प्रेशर आता है, दबाव आता है, इसलिए विलियमसन को नंबर 3। मार्करम बढ़िया कर रहे हैं, पूरन बढ़िया कर रहे हैं, विष्णु विनोद, मैं चाहता हूं कि शशांक की जगह विष्णु विनोद को मौका दे दिया जाए। घरेलू क्रिकेट का ये लड़का हीरा है, बड़ा स्टार है, बहुत रन बनाए हैं, बहुत नाम मैंने सुना है विष्णु विनोद का, तो घरेलू क्रिकेट में इतने बेहतर रन बनाकर आया तो इसको एक मौका जरूर दिया जाना चाहिए। सीन एबर्ट पिछले मुकाबले में आए हैं, हालांकि मार्को जेंसन और टी नटराजन कितने मैचों तक बाहर रहेंगे ये देखने वाली बात होगी। गोपाल को मौका मिला है वॉशिंगटन सुंदर की जगह, तो गोपाल को उम्मीदों पर खरा उतरना है तो बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो ये एक टीम है, ये एक टीम है। आपका इस प्लेइंग 11 पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि शशांक की जगह क्या विष्णु विनोद को मौका मिले, और ओपनिंग के तौर पर क्या राहुल त्रिपाठी को आजमाना सही रहेगा? आपका जो भी मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आए आपको